अस्सलामुअलैकुम मेरे होम मील फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को पसंद भी कर रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी, यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं स्नैक टाइम में, और आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन टिक्का पॉकेट्स, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से बनते हैं, बहुत ही यमी होते हैं, टेस्टी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले ली है, शिमला डलेगी, टमाटर डलेगा, प्याज डलेगी, ब्रेड है, इसके अलावा इसमें स्पाइसेस हैं, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे और आप उसको नोट करते रहिएगा। और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ही करना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चलिए आइए, सबसे पहले हम अपनी चिकन तैयार करते हैं, फिर आपको बाकी का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम चिकन डाल देते हैं और इसमें हम स्पाइसेस स्टार्ट करते हैं डालना। इसमें हम 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 ही टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये हमने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। अब इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। और इसके साथ ही हम वेजिटेबल्स काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लंबाई के रुख पे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को काट लिया है। जैसे ही हमारी चिकन गलती है, हम इसमें ये डालेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही ज़बरदस्त से पॉकेट्स बन रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके साथ ही हम वेजिटेबल्स डाल लेंगे, इसको सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची सा रखना है। इसके साथ ही हम इसमें सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है। स्नैक टाइम का बेहतरीन ब्रेड पॉकेट तैयार हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस जो इसका सोया सॉस वगैरह का थोड़ा सा पानी है, इसको ड्राई कर लेना है और फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। एक तरफ हमारी चिकन और वेजिटेबल्स रेडी हो रही हैं। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि 2 ब्रेड लेंगे इस तरह से और इसको हम अच्छी तरीके से ज़रा बेलेंगे, क्योंकि हमें ब्रेड पॉकेट्स बनानी हैं तो इसको ज़रा सख्त हाथों से बेल लेंगे इस तरह से। और फिर इसके किनारे जो हैं वो हम कटिंग कर लेंगे। किनारे आप काट भी सकते हैं, नहीं तो आप गोल कटर से जो है इसको फ्रेंड्स, इसको इस तरह से किसी भी कटर से या ग्लास से इस तरह से हमने इसको काट लेना है। इस तरह से हम सारे पीसेस आपको करके दिखाते हैं, इस तरह से कर लें। ये देखिए, हमने डिफरेंट शेप के काट लिए हैं। अब पॉकेट बनाने का असल काम स्टार्ट होता है।
सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में लगाएंगे और इसको फ्राई करते हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। पॉकेट्स बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है। अब हम इसको बैटर की कोटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडे की कोटिंग करेंगे अच्छे से। अब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसमें। स्लो ही रखें। अभी हमने स्लो आंच रखी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूलना शुरू हो जाएंगी एयर आके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़बरदस्त से हमारे पॉकेट तैयार हो रहे हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत हमारी पॉकेट तैयार हो गई हैं। कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस हल्के हल्के आप करते रहें। हमने बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करा। ये देखिए फ्रेंड, कितने खूबसूरत क्रिस्पी सी हमारी पॉकेट्स तैयार हो गई हैं ब्रेड से। और ये हमारी फिलिंग की चिकन भी तैयार हो गई है, जिसके हमने पीसेस थोड़े से छोटे करे हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे। तो ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम आपको इसकी प्रिपरेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका एक मायो सॉस तैयार करेंगे। मायो सॉस के लिए सबसे पहले हम मायोनीज ले रहे हैं। में हम हाफ टी स्पून केचप का डालेंगे। बहुत अच्छी सी सॉस बन रही है ये। तकरीबन 4 पिंच हम काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें, और पिसी हुई लाल मिर्च भी 2 पिंच ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है इसका। ये देखिए हमारा सॉस भी रेडी हो गया है। अब हम इसके प्रिपरेशन करते हैं। ये देखें फ्रेंड, हमने छुरी की मदद से इसको हल्का सा खोला है। ये 2 तरीक़े से पॉकेट बनती हैं, या तो आप बीच में से कटिंग कर लें या आप इस तरह से खोल लें। और इसमें हम ये जो हमने डिप बनाया है सॉस, इसको हम लगा रहे हैं। यमी सा टेस्ट आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। कलरफुल सी, बहुत ही यमी सी हमारी पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। इसी तरह हम सारी पॉकेट्स रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको बीच में से कटिंग कर लिया और इसमें हमने सॉस लगा लिया, और इसमें हम फिलिंग भर देते हैं। ये स्नैक टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट, यमी सा। ये देखिए हमने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है। जो आपको ईजी लगे आप उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए मेरे होम मील फ्रेंड, स्नैक टाइम में ज़बरदस्त सा बच्चों के फेवरेट चिकन ब्रेड पॉकेट्स हमने तैयार कर लिए हैं। 2 तरीक़ों से आपको दिखाया गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लुक है। आप लोगों को यकीनन ये पसंद आएगी रेसिपी। इसको हम सर्व कर रहे हैं स्लाइस के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगेगी। आपसे चाहेंगे इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।